तो uh, जैसा हमने अभी अभी किया है कि अगर हमने कंपेयर करना है मीडियन वैल्यूज़ को फॉर ईच ग्रुप कितनी है तो हमें इसके लिए वी विल बी नीड टू ऑपटेन द मीडियन वैल्यूज़ फ़ॉर ईच ग्रुप तो उसके लिए हमने वैसे ही किया था एनालाइज पर जाके हमने कंपेयर मीन्स किया और फिर हमने मीन्स के लिए वेरिएबल्स को सेंड किया हमारा टारगेट वेरिएबल और हमारा ग्रुपिंग uh, वेरिएबल और उसके बाद हमने ये यह देखे यहाँ पे जब बाई डिफ़ॉल्ट करते हैं तो मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन यहाँ पे दिए होते हैं लेकिन आपने क्या करना है ये हमने जो किया है अभी हमने मीन और स्टैंडर्ड को को वापस भेज के इधर सेंड कर दिया ताकि वो हमें हमें एवरेज रैंक्स भी दे दिए और साथ में हमें टेस्ट uh, वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली जो कि एट है पी की वैल्यू इतनी है और उसके बाद हम उसको रिपोर्ट uh, कैसे करेंगे इंटरप्रेट कैसे करेंगे इंटरप्रेटिंग so, रिजल्ट के अंदर um, हमने बात की कि अनलाइक उनोवा you know, इसके अंदर हमारे पास पेयड वाइज कम्पेरिज़न के लिए पोस्ट हॉक टाइप टेस्ट नहीं होता बल्कि हम क्या करते हैं कि अगर हमने पेयर वाइज एनालिसिस करना है तो फिर हमें उसका पेयर वाइज कम्पेरिज़न निकालने पड़ते हैं जैसा हम विटनी यू टेस्ट को दोबारा लगा करके वो पेयर वाइज कम्पेरिज़न निकालेंगे इसके अंदर हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे ओल्डर एज ग्रुप्स ये हमारे पास ऑप्टिमिज्म लेवल आ गया था जो हमने मीन uh, वैल्यूज़ की जगह मीडियम वैल्यूज निकाली थी फॉर ईच ग्रुप तो हम बता सकते हैं कि मीडियम वैल्यू जो है वो ओल्डर ग्रुप की जो है वो ऑप्टिमिज्म तो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स अगर हमने वाइज कंपेरिजन करना है कि किस दो ग्रुप्स में सिग्निफिकेंटली डिफरेंस ज्यादा है उसके लिए फिर हमें अगेन मानविटनी पड़ेगा सो हाउ यू रिपोर्ट द रिजल्ट एज पर ए पी ए फाइनली दिस इज स्टाइल आर यू विल रिपोर्टिंग ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आफ्टर रनिंग क्रूस्कुलेस्ट सो क्रूस्कुलस रिवील्डिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ऑप्टिमिज्मी डिफरेंट एज ग्रुप्स और उसके अंदर आप ग्रुप वन का एन साइज़ भी देंगे और फिर उसका आप मीडियम uh, वैल्यू भी देंगे और uh, फिर ग्रुप टू का इसी तरह आपने बताया कि वो कहाँ से कहाँ तक था और उसका एन साइज़ कितना था और देन यू विल बी स्टेटिंग दैट द व्हाट इज़ द वैली इज़ टेस्ट वैल्यू विच इज़ एन फोर थर्टी फाइव के ऊपर आपकी एट पॉइंट फाइव सेवन इज़ द टेस्ट वैल्यू और पी वैल्यू इज़ पॉइंट ज़ीरो वन विच इज़

so you will be reporting median value for each group you will be reporting kruskal wallis uh, test value and then the p value and then the n size and the age range or the category of each group which you have tested so it's very simple and easy uh, and we know when and where and why we will be using a kruskal wallis or anova सो यू नो एंड यू विल चूज़ एंड नाउ यू नो कि हम एस के अंदर विद इन नो टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं